Good morning students, welcome in our online EVS class. Today we are going to start exercise of our new chapter, that is unit 3, parts of a house. In our yesterday class we have already knew that about houses. House की आवश्यकता, घर की आवश्यकता हमें क्यों होती है? क्योंकि अपने आप को हमें सेफ रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है. तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? एक घर की आवश्यकता होती है. घर हमें बहुत सारी चीजों से सुरक्षित रखता है. जैसे जो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो है हमारे तीन चीजों से हमें सबसे ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है. वो है ठंडी, गर्मी और बरसात. इन तीनों चीजों से ही हमें जो हमारा घर होता है वो हमें पूरी तरीके से सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है. घर जो होता है, एक जो सही घर होता है, जो कंफर्टेबल घर होता है, उस कंफर्टेबल घर में हम कहते हैं कि वो घर हमारा कंफर्टेबल तब बनता है जब उसमें सारी हमारी आवश्यकताओं की चीजों की पूर्ति हो जाती है. जैसे एक घर में प्रॉपर खिड़कियां होनी चाहिए, सही जगह पे विंडोज होने चाहिए, सही जगह पे दरवाजे होने चाहिए, ताकि जो हमारा जो नेचुरल एयर और जो नेचुरल जो हमारी जो सनलाइट होती है वो प्रॉपरली हमारे घर के हर एक कोने में जा सके. क्योंकि हमारे घरों में नेचुरल एयर का आना और सनलाइट का पड़ना बहुत ही आवश्यकता होता है. क्योंकि इनके हमारे घर के अंदर आने से कहते हैं कि एक पॉजिटिविटी आती है, मतलब एक अच्छा महसूस होता है, एक अच्छी चीजें हमारे घर में प्रवेश करती हैं. इसीलिए जब हम कोई नया घर बनाते हैं तो हम पहले अपने वास्तुशास्त्र के अनुसार पहले हम सारे डायरेक्शंस को, सारी दिशाओं को चेक करते हैं कि किस दिशा में हमारा बेडरूम होना चाहिए, किस दिशा में हमारा किचन होना चाहिए, किस दिशा में हमारा गेट होना चाहिए, निकलने के लिए हमारा रास्ता होना चाहिए. ऐसे ही घरों को हम क्या कहते हैं? एक सही घर कहते हैं. वैसे तो बच्चों घर जो होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं. पहला होता है कच्चा घर और दूसरा होता है पक्का घर. पक्का घर हम उसे कहते हैं जो कि मेनली सीमेंट और ईंटों से मिलकर के बना होता है, उसे हम पक्का घर कहते हैं. और कच्चा घर हमारा मिट्टी से बना होता है. मतलब कच्चे घर की जो जुड़ाई होती है वो हम मिट्टी से करते हैं, छपाई जो होती है वो हम मिट्टी से करते हैं. और पक्के घरों की जो छपाई होती है और जो उसे बनाना होता है वो हम ईंट और सीमेंट से बनाते हैं. जो हमारा पक्का घर होता है वो कच्चे घर की तुलना में ज्यादा मजबूत कहलाता है. क्योंकि ये सभी प्रकार के हवा, पानी और सब प्रकार की जो हमारी विपत्तियां होती है उनको झेलने के लिए मजबूत होता है. ऐसे ही बच्चों जब हम शहर में जाते हैं तो शहर में हमें कच्चे घर बहुत कम देखने को मिलते हैं और पक्के घर वहां पे बहुत होते हैं. और पक्के घरों की भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, जैसे कि बैंगलोज होते हैं, वहां पे स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, मीन्स ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत ऊंचाइयों में फ्लैट्स बने होते हैं, रूम्स बने होते हैं, घर बने होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं. ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तरों को देखते हैं, क्वेश्चन आंसर को देखते हैं. सो हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू लिव, हम कहाँ रहते हैं. तो हम कहाँ रहते हैं? सो वी लिव इन, we live in a house. हम कहाँ रहते हैं? हम घर में रहते हैं. Second question is, what is a house made of bricks and cement called? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ईंटे और सीमेंट से बने घर को हम क्या कहते हैं? पक्का घर कहते हैं. So answer is here. A house made of bricks and cement
What are the two name of a very tall building? दो नाम क्या है जो हम लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को कहते हैं. So first is Bangalore's and second is skyscrapers. Number question 4. How many rooms do you have in your house? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये तो आपके अकॉर्डिंग है कि आपको बताना है कि आपके घर में टोटल कितने कमरे हैं. सो नॉन राइटिंग हियर वी हैव फाइव रूम्स इन माय हाउस. राइट थ्री यूजेस ऑफ हाउसेस. तीन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो यूज है हमारे हाउस के वो क्या है कि हाउस इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड and rain. So these are the three important uses of our house. So students, this is our today's class, EVS class. All of you complete your work and send me your copy. So now we will meet in our next video. Till then,